अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह का बबरकत नाम लेके आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। आज मौसम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम हुआ पड़ा है और देखें हर तरफ आसमान के ऊपर जो है ना बादल छाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत माहौल बना हुआ है और हमारे प्लांट भी इसी के अंदर जो है ना बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो इसके ऊपर तो बहुत जल्दी जो है ना वो फूल वगैरह आ चुके हैं। और ये जो हमारा गुलाब का पौधा लगा हुआ है तो ये भी बहुत जल्द जो है ना पत्ते इसके ऊपर भी आ गया है। कुछ दिन पहले ये बिल्कुल जो है ना सेम इस तरह का था, लेकिन अब ये भी जो है ना हरा भरा हो गया माशाल्लाह अल्लाह पाक। आज का व्लॉग तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने छत पे जितने भी मैंने सील मुर्गे वगैरह रखे हुए हैं, जो भी मैं शौक कर रहा हूँ सील मुर्गों का, या जो भी मुझे जो है ना कुछ नए बर्ड्स भी लाए हैं सारे आपको दिखाऊंगा आज इंशाल्लाह। पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपना शजरे और हीरे का जो जोड़ा लगाया हुआ है माशाल्लाह, वो दिखाता हूँ आपको। ठीक है ये जी माशाल्लाह हमारा शजरे और हीरे का जोड़ा लगा हुआ है। अभी तक पता नहीं इसका अंडा आया कि नहीं आया, वो देखना पड़ेगा। ये जी हमारा शजरा और ये माशाल्लाह हीरी मादी लगी हुई है इसके साथ, और इसके ऊपर अभी तक कोई अंडा वगैरह नज़र तो नहीं आ रहा। ठीक है ना, फिलहाल अभी ये दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको खोल के भी दिखाता हूँ, क्योंकि अगर सारे मुर्गे इकट्ठे खोलती तो फिर लड़ाई हो जाएगी। ये हमारी माशाल्लाह लाखी मादी घूम फिर रही है, इसके भी माशाल्लाह 11 अंडे हो गए हैं, और अल्लाह करे ये भी जल्द से जल्द कुड़क पे बैठ जाए। तो दो मादियाँ हमारी ऑलरेडी कुड़क पे बैठी हुई हैं, तो वो भी आपको दिखाता हूँ कितने कितने अंडे रखे हैं, वो भी बताता हूँ आपको माशाल्लाह। ये देखें, और इसके साथ ये मेल लगा हुआ, ये पट्टा है अभी छोटा सा बचा है, और इसकी जो है ना इसके साथ मादी के साथ जोड़ा लगा हुआ है माशाल्लाह। और इसके अंडे हो गए हैं कुछ 11 अंडे हो गए हैं, एक अंडा मैं खा गया था पहला अंडा, तो बाकी सारे अंडे जो है अभी तक रखे हुए, अल्लाह करेगा ये भी जल्दी जल्दी जो है ना बच्चे इनके भी निकलेंगे तो आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ये देखिए ये दोनों मुर्गियाँ माशाल्लाह इस मुर्गे के साथ लगी हुई हैं, और ये जो मुर्गा जो है ये हमारे दोस्त का है उस्मान भाई का, तो वही हमें ज़्यादातर गाइड करते रहते हैं, क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं है मुर्गों के बारे में, तो वही हमारी परचेजिंग भी वही करते हैं, और जो है ना इसके अलावा जो भी बीमारी वगैरह पड़े तो वो खुद ही ज़्यादातर डॉक्टरी भी करते हैं। साथ में छोटा भाई है मेरा उबैद, तो वो भी साथ डॉक्टरी करता रहता है। तो फिलहाल ये वाली मादी जो है इसने अंडे दिए हैं उसका कन्फर्म नहीं, क्योंकि ये तीनों एक साथ जो है ना खुडे में, ऊपर वाले जो आपको खुडा दिखाया था शजरे वाला, इस खुडे में ये बंद होती है। तो चलिए आपको भी दिखाता हूँ जो मादियाँ हमारी बैठी हुई हैं कुड़ के ऊपर, तो उनका भी दिखाता हूँ आपको कि उनके नीचे कितने अंडे मैंने रखे हुए और वो लोग किस हालत में बैठी हुई। तो ये हमारी जो है ना अंदर आ गया कमरा, यहाँ पर हमने मादियाँ कुड़ पर बैठाई हुई हैं। ठीक है, एक मादी यहाँ पे कुड़क बैठी हुई है जो हीरी मादी है, और एक मादी यहाँ पे कुड़क बैठी है जो कि मुश्की मादी है। तो ये मादी जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा तंग कुछ मैं नहीं करता माशाल्लाह। ये जो मादी है ना वाइट वाली, ये उसी मेल के साथ लगी हुई जो वाइट कलर का मेल आपने पहले देखा था, तो ये उसी के साथ बैठी हुई लगी हुई है। और माशाल्लाह इसके नीचे हमने रखे हुए 13 अंडे, और इसके हो गया कुछ 10-11 दिन हो गया माशाल्लाह से इसको बैठे हुए, और 19 तारीख को ये बैठी थी फरवरी की। तो अब देखते हैं अल्लाह ताला खैर करे कि कब तक इसके जो है ना वो बच्चे आएंगे, और इसको भी फ़िलहाल करते हैं बंद। तो इसको मैंने जो है ना जुगाड़ी तरीका रखा हुआ ताकि इसके ऊपर बारिश ना पड़े, क्योंकि ये जो है ना खिड़की के बिल्कुल साथ बिठाई है, हमें पता नहीं था कि आगे बारिश भी होनी है या नहीं, तो अब इसको उठा के ला नहीं सकते। तो दूसरी मादी हमारी ये बैठी हुई है माशाल्लाह, ये अभी अभी कुड़क हुई है, और ये कल ही बिठाई है हमने मादी को जो है ना उस पर अंडों पर, तो ये शोर भी बड़ा करती है। तो माशाल्लाह ये दूसरी मादी हमारी बैठी हुई है, तो ये भी माशाल्लाह 13 अंडों पे बैठी है, 9 इसके अपने अंडे थे, 2 ऊपर जो आपने देखी है लाखी मादी, ठीक है ना, 2 उसके अंडे थे, और 2 जो बाहर फिर रही थी वाइट कलर की मादी मेल के साथ, 2 उसके अंडे थे। टोटल 13 अंडों पे इसको बिठाया माशाल्लाह, और इसको भी फ़िलहाल तंग ज़्यादा नहीं करते, तो ज़्यादा तंग नहीं करते, वो जो है ना थोड़ा सा जो है वो कुड़क पर बैठी हुई है, तो ये ना वो अंडों को जो है ना ख़राब करें या मस्ती वगैरह करें। तो फर्स्ट टाइम मैंने बिठाया, मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है किस तरह मतलब इनकी केयर करनी है क्या कुछ करना है, ये साथ साथ मैं नॉलेज लेता रहता हूँ यूट्यूब से भी और आगे पीछे दोस्तों से भी। तो आज तो मज़े का मौसम बना हुआ है बारिश का, तो ये देख सकते हैं खूबसूरत हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई है, तो मुझे पता नहीं इनको खोलना सही है या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी देर के लिए खोला, मैंने कहा चलो यार ऊपर शर ये मार ले बाहर आके थोड़े हाथ पाँव सीधे कर ले, इसके बाद इनको बंद करते हैं खुडे में, तो ऊपर वाले पेड़ को भी बंद करते हैं, इन्होंने सारे पौधे ख़राब कर देने, देखो इन्होंने इसी तरह पौधे ख़राब करने, चलो अंदर चलो। इन्होंने इसी तरह सारे पौधे ख़राब किए हैं, सारे पौधे इन्होंने ख़राब किए, फिलहाल इनको अंदर करते हैं बंद। ओए चलो 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 अंदर चलो 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 अंदर
फिलहाल हमने इनको कमरे के अंदर खुला छोड़ा हुआ। हमने कहा चलो यार अंदर गर्मी भी है, थोड़ा सा कमरा बंद है सारा ये वाला ना, तो हमारे यूज़ में तो नहीं है फिलहाल, तो इसी वजह से इनको अंदर छोड़ा हुआ। और दूसरे वालों को भी ऊपर छत पे बंद करते हैं। तो माशाल्लाह आपने देखी है ये सामने इसके साथ लगी हुई थी मादी, क्योंकि ये बैठी हुई है। और जो ये मादी बैठी हुई है मुश्की अंडों पे, ये मादी जो है ना, ये सामने मेरा दोस्त रहता है ना, उसके साथ जो है ना वो लगी हुई, और उसके साथ जो है इसके अंडे निकले हैं। बाकी दो अंडे जो है वो इस मादी के रखे हैं इसके नीचे, और दो अंडे जो है ना ऊपर जो लाखी मादी घूम रही है उसके रखे हैं। तो फिलहाल इनको तो करते हैं बंद, तो जाके ऊपर वाले मुर्गों को भी करते हैं बंद। और मैंने जुगाड़ी सिस्टम रखा है ये वाला, ठीक है, ये हमारा जुगाड़ है, क्योंकि इसका लॉक ख़राब हुआ है, इस वजह से हमने इसको जो है ना जुगाड़ी सिस्टम से बंद किया। और चलते हैं जी दूसरे पैर की तरफ, उसको भी करते हैं बंद, क्योंकि ठंड बहुत है, ये ना बीमार हो जाए, तो इनको भी करते हैं बंद। तो ये दूसरा हमारा पैर जो है वो यहाँ पर घूम फिर रहा है। यार ये वाला मेल जो नहीं है, ये बहुत ज़ालम मेल है, मुर्गों को देखता और पड़ जाता है। तो ये एक पैर ये वाला जो है इसका, इसके अंडे किसी के नीचे नहीं रखे, इसी के नीचे रखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो मादी है ये किसी और के साथ लग रही नहीं थी, तो हमारे पास ये मेल वेला पड़ा था, तो ये इसके साथ एडजस्ट होगी, तो हमने इसके साथ इसका जोड़ा लगा दिया माशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं जी लाखे मुर्गे की तरफ, इसको भी करते हैं बंद। जब भी मैं छत पे आता हूँ ना, ये सबसे पहले भागती भी आती है, क्योंकि इसको पता है इसी ने दाना डालना है। तो ये देख, ये मेरे साथ थोड़ी सी अटैच है और वो भागता है मुझसे, ये वाला मुर्गा जो है ना मुझसे बहुत ज़्यादा भागता है, तो मैं पकड़ने की कोशिश करूँगा ये भागेगा। ये पट्ठा हमने ख़रीद के लाया था जी, छोटा सा था उस वक्त, हम ख़रीद के लाए थे। तो बाकी इसको बंद करने की जगह हमने यहाँ पर बनाई हुई है, क्योंकि मिट्टी का जो है ना वो एक सिस्टम ही अलग है, क्योंकि अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर हम इस केज के अंदर बंद कर देते हैं। अभी इनको करते हैं जी बंद फिलहाल। उसकी मादी है ना वो इस लड़के ने जो है ना अपने मुर्गे के साथ लगाई हुई थी। अनस किधर है शजरा, किधर है शजरा, सामने का शजरा भी आपको दिखाते हैं, उस वक्त तक इसका शौक करे जी माशाल्लाह। ये हमारा खूबसूरत बर्ड, वो आ गई शजरा हमारा माशाल्लाह से, वो नस ले के आ गए खूबसूरत। दूर से देखना पड़ेगा आपको फिलहाल, नज़दीक से फिर कभी दिखाएंगे आपको माशाल्लाह। ये लेके आ जाइए शजरा माशाल्लाह जी। अनस सामने कार शो कर, दो मिस की दिखा दे रहा, ये जब हम लेके आए थे ना तब वो जो है ना अजीब सा हुआ था, अब इसने अपना रंग रूप निकाला, तो अल्लाह करे इसके साथ जो बच्चे निकलेंगे वो देखने वाले होंगे इंशाल्लाह। वाह जी वाह, ठीक है छोड़ दे बड़ा, सबसे पहले सेट कर लूँ यार ये ईंट जो है ना नीचे रखी हुई है बाहर, इसको बाहर करके इसका शॉपर बाहर निकाल लूँ अंदर से। तो इनका खुटा रेडी है बंद होने के लिए, चलो अभी इनको अब करते हैं बंद, ठीक है ना। दोनों को करते हैं जी माशाल्लाह बंद, ये सबसे फेवरेट मेरा जो है ना पेयर है। तो आज का व्लॉग करते हैं यार यहीं पे एंड, क्योंकि बारिश फिर ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, और जो है ना माहौल जो है ना ठंडा हो रहा है लग पड़ा है, तो यहाँ पे करते हैं जी व्लॉग को एंड। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा, और हमारे बर्ड्स आपको कैसे लगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।